हम 5:30 बजे यहाँ पर हैं और ठंड इतनी ज्यादा है, मैंने सोचा नहीं था कि कोई भी झरने पर उतरेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद है। देखो मेरे पे फिर उसी जगह पर। मेरे चैनल का जो फर्स्ट व्लॉग था वो तीर्थन वैली पे था और उस पर यही जगह थी। उस टाइम हम ऑलमोस्ट 7:30 यहाँ पहुँच गए थे और इस बार 12:30 हम बहुत लेट हैं। और अभी हमें गेस्ट हाउस ही पहुँचना है, वहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं और इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। जैम हरे अम्मी इंजॉय। ऑलराइट, सो फाइनली हम लोग तीर्थन वैली पहुंच चुके हैं। अभी ट्रैवलर से उतरना, सबका रूम वगैरह सेट कराना, लगेज वगैरह उतारना तो पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मैं उस टाइम पर ब्लॉग करूं, बट अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। हमने फर्स्ट फ्लोर लिया है, पिछले 2 सालों से आ रही हूँ और ये रूम जो है अंडर कंस्ट्रक्शन थे और मुझे कब से इनका इंतजार था यार कि कब ये बन के रेडी हो और कब मैं यहाँ पर रहूँ। सो फाइनली ये रूम रेडी, लोगों को अभी ये रूम कितना समझ आ रहा है। और अगर इसके पीछे मैं दिखाऊं, जहां मैं अभी बाहर थी, नदी, बालकनी, पीछे ये लाइन से बने हुए कॉटेज, पहाड़। सो ये था यहाँ की बालकनी का व्यू। अभी ये जो रूम है दिस फॉर 4 पर्सन्स, अगर आप 4 लोग हैं तो आप ये वाला रूम ले सकते हैं। और ऊपर का फ्लोर इसमें ऐसा है, हाउ कूल इट इज, यू नो, मतलब टोटली डिफरेंट सी। ऑलमोस्ट 17 घंटे की हमें थकान चेहरा और फाइनली अब हम लोग भी रेडी होके जा रहे हैं लंच के लिए। बाकी सब खाना पता नहीं खा चुके होंगे यार, इतने अच्छे से हमारा वेट करें। मैंने पहले कहा था, आपको क्या लगता है कैसे कोई खाना? बहुत बढ़िया। आप बताइए सर कैसा था खाना? अच्छा, तो अभी खाना वाना निपटाने के बाद और बहुत सोच विचार करने के बाद है। सो फाइनली खाना पीना करने के बाद और बहुत सोच विचार करने के बाद हम वाटरफॉल ही जा रहे हैं। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, कोई धूप नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ठंड लग रही है, जैकेट सबने पहनी हुई है और सोच सब रहे हैं वाटरफॉल में उतरने का। जब धूप होती है ना तब भी 10 बार सोचना पड़ता है उस वाटरफॉल पर उतरने के लिए, बट अभी ठीक है, सब आए हैं तो जाना है वहाँ पर। बट ट्रैवलर पीछे खड़ा है और ये जो ये है ना, ये वो दिमाग में चल रहा है कि जा तो रहे हैं बट बहुत तेज़ बारिश ना हो जाए क्योंकि बूंदें पड़ रही हैं बारिश की, अभी ट्रैवलर स्टार्ट हो चुका है। तो चल Oh,
वॉटरफॉल का स्टार्टिंग ट्रैक है और ये जहाँ पे जो स्टेयर्स हैं सीमेंटेड हैं बिकॉज यहाँ पर मकान बने हुए हैं, लोग रहते हैं, बट आगे जाके जो रास्ता है वो कच्चा हो जाता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं अभी फोर्थ टाइम यहाँ पे जा रही हूँ और जब सीमेंटेड सीढ़ियों पे आप चढ़ना शुरू करते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है। घर बार तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। यू नो मैं यहाँ पे 3 बार ऑलरेडी आ रखी हूँ बट इस टाइम पे जो ये ऐसा रेनी वेदर हो रखा है ना, इस टाइम पे इस जगह की खूबसूरती में जो 4 चांद लगे हैं। मैं व्लॉगिंग में इतनी खो गई थी कि सब लोग मेरे से इतना दूर निकल चुके हैं और मैं इतना पीछे रह गई हूँ। बेसिकली ये पूरा ट्रैक सीधा सीधा है बट एक पॉइंट पे आपको 2 रास्ते दिखेंगे, एक ऊपर को और एक नीचे को। तो आपको ऊपर का ट्रैक ना करते हुए आपको नीचे की तरफ जाना है क्योंकि झरना नीचे की तरफ। ये वाले पे नहीं जाके आपको जाना है इस रास्ते पे। वॉटरफॉल पर आ गए और हर कोई हमेशा की तरह यहाँ पहुँचकर बहुत खुश है। यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ जितनी भी बार आए हैं हर किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। और अभी फिलहाल झरने में पानी कम है बट यहाँ का जो ओवरऑल व्यू है जो सब कुछ है अमेजिंग। तू यहीं पे आई थी भाई? मेरा भाई। हाँ बस अभी मई के बाद बढ़ जाता है पानी। मैं इस झरने में वैसे हर बार गई हूँ बट फर्स्ट टाइम इस टाइम पर इस ठंड में हम गए। और अभी वीडियो में तो आपने देखा ही कौन कौन गया, बहुत ठंडा मौसम हो रहा था। इस टाइम घुसने को तो घुस गए बट अब आज इतने ठंडे हो रहे हैं कि सब कर रहे हैं। टाइम हम 5:30 बजे यहाँ पर हैं और ठंड इतनी ज़्यादा है, मैंने सोचा नहीं था कि कोई भी झरने पर सब पैर डुबो कर वापस चले जाएंगे बट एक के बाद एक साई ने सबसे पहले शुरू किया उस पे झरने पे जाना, तभी सबको मोटिवेशन मिला और सब एक एक करके वहाँ पर गए। लेकिन मुझसे ज्यादा समय ये लोग स्पेंड किए थे। हाँ तो एक्चुअली ऐसा है ना कि हम लोग तो जाते भी रहते हैं फिर भी ना, बट दिस मैन यू सो अब बहुत ठंड लग रही है, मुझे चेंज करना है। और अब इसके बाद का सीन ये है कि वापस जाएंगे, बॉनफायर करेंगे, इतना भीगे इतनी ठंड लग रही है, अब गर्मी चाहिए। बाद इतनी बोन फायर में सबने बहुत 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 इंजॉय किया। उसके बाद सब यहाँ आ गए खाना खाने, खाने के टेबल पे खाना खाएंगे और उसके बाद लेट सी लास्ट में क्या चलेगा क्योंकि कल सुबह हमें 7 बजे उठना है, 7 बजे उठ के हमें ट्रैक पे निकलना है तो सोना भी टाइम से बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि 7 बजे मैं उठ पाएंगी तो मैं 5 बजे उठ जाऊंगी। देखते खाने के बाद क्या सीन क्या प्लान बनता है बट कल ट्राई करेंगे कि 7 बजे से हो जाए। बाकी राजमा चावल सबको बहुत पसंद आता है यहाँ का।